ये है इंडिया, हमारा भारत, और वो 10 कदम बाद वहां पर है पाकिस्तान। ये सब नाटक है, नाटक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सम सैंड ड्यून्स, जैसलमेर। कल रात को ठंड थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, झूठ बोल रहा हूँ, ठंड लग रही थी मेरे को भी, इन लोग को ज्यादा लग रही थी। ये शबीरवा क्या खूबसूरत टेंट मिला है, इसका शॉट गोप्रो से अच्छा आएगा। देख रहा है आपको पूरा टेंट, पूरा वाइड, गोप्रो गोप्रो होता है, मजाक थोड़ी होता है। सुबह सुबह हम उठे 6:30 को, कभी 6:30 को हम मुंबई में उठते नहीं, लेकिन यहाँ उठ जाते हैं। पता नहीं जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं क्या हो जाता है, पता नहीं सुबह उठने लग जाते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, ये मुंबई में क्यों नहीं होता हमारे साथ। चलो, हेलो विशाखा मैम, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। मैडम आपका कमरा दिखाएंगे क्या, थोड़ा मैं देखूँ वैसे ही है कि अलग है? ओहो, ये होता है लड़की का रूम, साफ सुथरा, और एक हमारा रूम है। अरे विशाखा थोड़ा मेरे रूम में भी साफ सफाई कर दी क्या, मेरे रूम को भी थोड़ा क्लीन कर दी क्या, बहुत गंदा। सुबह सुबह 6 से 9 गर्म पानी आया था, हमें नहाने का मन किया लेकिन हमने नहीं नहाया। डेमोक्रेटिक कंट्री ना, अपने अपनी चॉइसेस। हमें अपनी बात रखने का हक है, हमें बोलने का हक है, नेगेटिव कमेंट करने का हक है। आज मेरी जीभ को भी ठंड लग रही है, वैसे लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रही है, शब्द की शब्दावली बराबर से आ नहीं पा रही है, ऐसा हो गया, ठंड लग गई है जबान को भी। ये है हमारे मुराद भाई, ओके, फुल ऑन सम में स्वैग छलका रहे हैं यहाँ पर, फुल ऑन टशन में एकदम डीसी मार के आए हैं। मुराद भाई ने हमारी एक मुराद पूरी कर दी, ब्रेकफास्ट करने की, अच्छा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तैयार है, आइए ब्रेकफास्ट में क्या है हमारे पास, पोहा, पूरी भाजी, चाय भी आ रही है। ये हमारा सेकंड लेयर हो चुका, अब हम पहनेंगे थर्ड लेयर। तीन लेयर पहन लिया गया है, ठंड का कोई भरोसा नहीं, ठंड लगती है लगने दो, लेकिन जब ठंड अंदर घुस जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ पर आपके सामने, मोहम्मद सलीम खान। यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, नहा धो के नहीं, सिर्फ मुंह धो के। इतनी ठंड में कौन नहाए, मैं तो नहीं नहाने वाला। तू नहाया है क्या? हाँ, हंस रहा मेरी बात पे, तू नहाया है क्या? ये भी नहीं नहाया। क्या बोल रहा है? दो दिन से नहीं नहाया, क्या बोलेंगे और? मेरे व्लॉग में मेरी बेइज्जती नहीं। तू नहाया क्या आज? तू नहाया क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम दुआ तो पहले हो गई थी, लेकिन अभी क्या व्लॉग में पहली बार मिल रहे हैं ना आप लोगों से, इसलिए सलाम दुआ। लेकिन देखो तो सही कासम भाई को, हाय। जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। अगर आप जैसलमेर आए तो सम सैंड ड्यून्स आना बनता है, और अगर सम सैंड ड्यून्स आ रहे हो तो कासम भाई से भी मिलना बनता है और यहाँ पर रहना बनता है। कासम भाई जी, मेरे को मजा आया यहाँ पर रहने में। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऑडियंस हमारा यहाँ पर आए तो उनको इजीली कांटेक्ट करने को मिल जाए, तो कोई आपका कार्ड वर्ड है तो दे। हाँ जी, ये कार्ड है अपना, कासम डेजर्ट सफारी गेम, ये कार्ड है, आओगे तो कासम भाई से जरूर मिलना। कैसा रहा यहाँ का? अरे नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खाना यहाँ का अच्छा है, यहाँ का मैं हॉस्पिटैलिटी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। मुझे लगा नहीं था यहाँ पर आके नेटवर्क मिलेगा, यहाँ पर आके गर्म पानी मिलेगा, लेकिन गर्म पानी भी है और नेटवर्क भी है। नेटवर्क सिर्फ जियो का अच्छा चलता है यहाँ पर। हाँ जियो। हाँ चलो, अभी हम जा रहे हैं तनोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बैठो, बैठ लड़की। जैसलमेर टू सम सैंड आने के लिए हमें लगे थे 43 किलोमीटर, ट्रिप किया जाए जीरो, देखते हैं आज कितनी किलोमीटर गाड़ी चलती है, ट्रिप हो चुका है जीरो। चलिए सर, मिलते हैं शाम को इंशाल्लाह, तो मिलते हैं। चलो आज हम जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के करीब, अभी 12 बज रहे हैं लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। क्या कैट वॉक है आपका, क्या वॉक है, वाह। ये राधेश्याम है, बस 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 करिए। 955 लॉन्गे वाला 43 किलोमीटर। अभी हम लोग हैं रामगढ़, कितने आदमी थे, दो लड़का एक लड़की, वो वाला रामगढ़ नहीं, ये है राजस्थान वाला रामगढ़। आइए आ जाओ सामने आ जाओ। ये कैसा सिस्टम है, क्या गरम कर रहे, लोहा गरम कर रहे बे, चाकू बना रहे,
कुलाड़ी अभी यहाँ से जो रास्ता आएगा पूरा सुमसान रास्ता होगा, कुछ नहीं होगा, ना नेटवर्क होगा, मोबाइल का नेटवर्क कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ BSNL का नेटवर्क चलेगा। ये कौन है? ये कौन है? मैं तो डर गया। तो हमने जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी रामगढ़ में, वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर हमारे पास आए और वो कहने लगे कि आप लोग महाराष्ट्र से आए हो। मैंने कहा कि हाँ। तो वो कह रहे कि थोड़ा संभाल के चलाना आप गाड़ी, इस रोड पे ना एनिमल्स बहुत आते हैं, गाय आती है, बैल आते हैं, बकरी आते हैं, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट इन्हीं से होते हैं, तो संभाल के चलाइएगा। हमने कहा कि थैंक यू सो मच। देख रहे हैं ये है हमारे देश के जवान, हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं। पहुंच गए जी तनोट। अब तक 141 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, क्या बात है। तो अभी हम हैं तनोट में। तनोट में चाय का मजा लिया जा रहा है। वहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर थोड़े स्टॉल लगाए गए हैं। तो प्लान के मुताबिक हमारा लोंगे वाले जाने का प्लान था, लेकिन अब वो कैंसिल। अभी सिर्फ हम जा रहे हैं बॉर्डर। यहाँ से बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है, काफी नजदीक है हम पाकिस्तान से 20 किलोमीटर। यहाँ ना जियो चलेगा, ना एयरटेल, ना वोडाफोन। यहाँ पर चलेगा तो सिर्फ इसकी चलेगी, ये जो है ना, ये जो टावर है इसकी चलेगी, और ये BSNL का टावर, बाकी किसी की नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ सरकारी चलेगी। तो अभी परमिशन का जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं, और जैसे ही हमें परमिशन मिल जाएगा इसके आगे हमें जाने मिलेगा। इसके आगे विदाउट परमिशन नो एंट्रिंग। पहले ऐसा था कि यहाँ पर लोग आते थे, जा सकते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। अभी इसका जो परमिशन है वो जैसलमेर से मिलता है, अगर जैसलमेर में परमिशन नहीं मिला तो दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता है, और अगर आपके कोई पहचान वाले हैं BSF वाले तो अंदर जाने मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहीं से माता के मंदिर में आओ, मत्था टेको और वापस चले जाओ। हाउ डे यू कॉल मी दैट। बस इसको ओवर ही करने आता है, कुछ बात करने आता ही नहीं है इसको, बात क्या करती। बट अभी खुशखबरी है, हमें परमिशन मिल गया है, हम जा रहे हैं बॉर्डर के करीब। ये है हमारी बाइक, हमने यहाँ पार्क कर दिया है। अंदर हम बाइक लेके जा नहीं सकते, सिर्फ कार जाएगी। परमिशन का जुगाड़ हो गया है और गाड़ी का भी जुगाड़ हो गया है, बस अभी हमें सिर्फ पहुंचना है वहाँ पर। ये वो पहली जगह है जहाँ पर आपको परमिशन दिखाना पड़ता है, यहाँ पर जाके, और ऐसी दो जगह और आएगी जहाँ पर आपको परमिशन दिखाना है, परमिशन कार्ड दिखाना है। ये है परमिशन कार्ड, कुछ ऐसा दिखता है। ओलो जी पहुंच गए जी, ओलो जी पहुंच गए, पहुंच गए। ये है इंडिया, हमारा भारत, और वो 10 कदम बाद वहां पर है पाकिस्तान। एक अलग ही फीलिंग है, ये एहसास नया है, इसलिए बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बात है। ये ओनली बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड वर्स्ट ऑफ द एनिमीज जीट अस। सही बात है। लेकिन लड़की कैसा लग रहा है देखो? बहुत अच्छा लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड था। कल हम लोग थे सम सैंड ड्यून्स, जो कि 60 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान बॉर्डर से, और आज हम लोग हैं यहाँ पर जहाँ से सिर्फ 15 कदम दूर है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। वो बिजली की जो तार लगी उसके बारे में बताता हूँ, उसमें दौड़ता है करंट, टोस्टेड हो जाओगे उसको जैसे हाथ लगा लोगे, टच करेगा, कोई काटने की कोशिश करेगा तो सायरन बज जाएगा। और ये जितना भी तारें लगाई गई हैं ये हमारे देश के द्वारा लगाई गई है। नॉट इमोशनल, इट्स जस्ट लाइक कि ये पहले नहीं थी हमारे देश में, हम सब एक ही थे। अभी बिजली की तारें आ गई हैं यहाँ पर, उस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ नहीं जा सकते, कैसे क्या हो गया। तो बस वही सब ख्यालों में घुस गया था मैं कि अच्छा क्या क्या हुआ था, कैसे थे हम लोग और अभी क्या हो गया। बस वही है और क्या, जियो और जीने दो, यही है। चलो चलते हैं यहाँ से। बॉर्डर देखिए हमारा हो गया, उसके बाद हम निकल पड़े कुलधारा के लिए। अभी हम ऑलमोस्ट कुलधारा के पास पहुंच चुके हैं, कुलधारा विलेज, बहुत कहानियां हैं उसकी। बाबूजी
कब तक खुला रहेगा? लो जी प्रवेश कर रहे हैं कुलधारा विलेज के अंदर। लड़ाई मत करो कुत्ते कुत्ते भाई भाई, लड़ाई मत करो। मोहम्मद सलीम खान रिपोर्टिंग फ्रॉम कुलधारा विलेज। ये सारे मकान अपने आप टूट गए थे क्या? अपने आप ऐसे ही खंडर हो गए, बस पड़े पड़े, कोई रहता नहीं ना, तो बस ऐसे ही खत्म हो गए। ओके। तो ये जो मेरे पीछे घर है, ये उसी लड़की का घर है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा खंडर बन गया। अब ये उस लड़की की वजह से है या फिर उस राजा की वजह से है, ये पता नहीं। और उसके बाद से फिर ये जगह बन गई सेकंड मोस्ट हॉन्टेड। ये उनका घर है। ओह, यहाँ से तो पूरा गांव दिख रहा है, सारे घर दिख रहे हैं। मुझे एक 360 चाहिए इसमें। आज हमने ले लिया पंगा। पंगा लिया अभी किससे? ठंड से, जिससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। 6:30 बजे निकले हम लोग कुलधारा से यहाँ के लिए, और जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था हमें ऐसे ही आना था। जो हालत खराब हुई है, नाक से पसीना निकलता है, नाक से। गर्मी में बदन से पसीना निकलता है, ठंड में नाक से पसीना निकलता है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये कैंप। रात को खाना खा के हमारा हो गया, नाच गाना भी हो गया। अब व्लॉग एंड करना था, और मैं हमारे सफर के साथी लोग राइडरगल विशाखा और शब्बीर मोहम्मद, इनको बोला कि चलो बाहर आओ, व्लॉग एंड करते हैं। कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। क्यों? उसका रीजन ये है कि यहाँ का टेम्परेचर अभी हो चुका है 15, राइट? मुराद भाई हमारे कमरे में आए, उन्होंने बोला कि सर गाड़ी का हैंडल लॉक कर दो, वही करने आए यहाँ पर। अगर इसका हैंडल लॉक करना है तो चाबी को यूं घुसाना है, एक बार सिर्फ ऐसे दबाना है और छोड़ देना है, देन ऐसे घुमा लेना है, फिर चाबी को ऐसे खीसे में डालना है और व्लॉग एंड करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो देखो, इंसान हूँ, इंसान से गलती होता है, तो पहले से ही भावना को समझ जाओ। भावना वैसे मुंबई में है, संभावना लेके आया था, लेकिन फिर भी सॉरी। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। आओ गले मिल जाओ इस बार, तो आ जाओ गले मिल जाओ। अरे सलीम उठ जा, एक्टिंग तो अच्छे से कर लेता। शिट, क्या है ये? अंदर चले? नहीं, क्या है? क्या अंदर है? इनके गुफा से कोई बनाई हुई है अंदर। लाइट है अंदर। ब्रो क्या स्टाइल है, मैं फैन हो गया तेरे स्टाइल का यार। कहां से, किधर से हेयर कट करवाया यार? सामने की जुल्फे देखना वहां।